भिलवानी में महिलाओं ने नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। नगर परिषद पर करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। कहा अगर घोटाला नहीं होता तो आज शहर की हालत बेहतर होती। क्या साफ सुन गया, 200 करोड़ का घोटाला कम नहीं होता। थोड़ी सी बातों के लिए ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। आज कहाँ गए 200 करोड़ के घोटाले में? किसी नेता का अब तक कोई बयान नहीं है। आप खुद मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि 200 करोड़ जो किसी की जेब में गए, पर्सनल जेब में गए, वो 200 करोड़ अगर भिवानी शहर में लगते तो भिवानी शहर आज जगह। पानीपत में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुमित गर्ग ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सुनाई सजा। 20 साल की कारावास के साथ 50,000 रुपए के जुर्माने का किया ऐलान। स्पेशल जज हमारे श्री सुमित गर्ग जी जो पॉक्सो एक्ट को डील करते हैं, उन्होंने एक 8 साल की कन्या के साथ कुकृत्य करने के उसमें जुर्म में सोनू नाम का मुलजिम जो 27 साल का है उसको 20 साल की कठोर कारावास और 50,000 रुपये फाइन उसके ऊपर लगाया है और जुर्माना ना देने की उसमें उसको 1 साल के अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। यह आदेश पारित किया गया है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। धनखड़ ने इस दौरान प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और संगठन से जुड़े मामलों के बारे में की चर्चा। पंजाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सरदार सुखदेव सिंह ढींसर से की शिष्टाचार भेंट। इस दौरान प्रदेश महामंत्री समेत कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। पानीपत में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल की दबंगई आई सामने। फीस नहीं देने पर बच्चों की मां से की मारपीट। पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। क्या हुआ था जी? फीस देने गई थी जी, मैंने गए थे फीस देने। दो दो महीने का फीस ले रहा था। अपर से पार्टी किए थे स्कूल में। दो हमारी लड़की है तो बड़ी लड़की को हमने 200 दे दिया। मैंने कहा जी छोटी वाली मारी 1.5 साल की है, 2 साल की। मैंने कहा इसका पैसे नहीं दे पाएंगे जी, फीस ले लो, पेपर फीस ले लो। कह रहा कुछ भी हो पैसे चाहिए, हम जबरदस्ती करा। हाँ हमारी जबरदस्ती है, पैसे देना वरना बच्चे को नाम कटवाओ जाओ। बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट रेवाड़ी की ओर से रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। ट्रस्ट के बाबा दिनेश राजपाल ने रक्तदाताओं का बढ़ाया मनोबल। कहा रक्तदान है महादान। वृद्धाश्रम के लिए हम लोग पहले तो एक रिवाड़ी के अंदर सरकारी वृद्धाश्रम है, उसके अंदर सेवा लगभग 25 साल से चल रही है। रोज शाम को जाके सब दूध पिला के आना, नाश्ता पानी जो भी देना चलता है। अब यहाँ पर अपना वृद्धाश्रम बढ़ा रहे हैं, लोगों की जरूरत को देखते हुए। जो वृद्ध है परेशान है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए ऊपर वृद्धाश्रम बन रहे हैं। बांग्लादेश के उच्चायुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सोनीपत का किया दौरा। प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण। मंत्रियों ने दरगाह शरीफ मामा भांजा में चढ़ाई चादर। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर साहब का और उनके साथ उनके ट्रूप का यहां पर आज दौरा रहा, जिन्होंने सोनीपत में दार्शनिक स्थलों का जो है वो भ्रमण करा, जिसमें खिजर का मकबरा और हमारा यहाँ म्यूजियम, एक बाबा मामा भांजा चौक पर जो दरगाह है नसीरुद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन की, वो देखी। और वो पूरा डेलीगेशन यहाँ पर सोनीपत की संस्कृति से और सभी से काफ़ी प्रभावित रहा और बहुत खुश होकर वो सब यहाँ से गए। गुड अपॉर्चुनिटी, रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू विजिट सोनीपत। इट्स वेरी हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट्स वेरी क्लोज टू डेली, बट वी कुड नॉट कम अर्लियर, बट फाइनली आई कुड कम हियर एंड सी ऑल द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल थिंग्स। श्री अकाल तख्त साहिब ने जारी किया वर्ष नानक शाही 554 कैलेंडर। नानक शाही कैलेंडर श्री पंजा साहिब की 100वीं शहादत को समर्पित। इस दौरान पंच तख्त साहिब के जत्थेदार विशेष तौर पर रहे मौजूद। नानक शाही संबत 554 जो तैयार होया है उसनू रिलीज किया गया और मैं नवे साल दियां देश विदेश दे विच वसदियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाई देना।
मोर मंडी में बीते दिन हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट के चलते सब्जी फल फ्रूट की दुकान में लगी आग, 2 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान। मैं जो आया बाजार से देखा भी ये मोहन लाल की दुकान से अग लग गई, बहुत बेचारे का नुकसान हो। ये 3 बेटियां ने जी, बहुत बेचारा मसा टाइम पास करता है। साड़ी प्रशासन अगर यही बेनती है कि इन मुआवजा बद तो दवाया जाए, इसका सारा नुकसान हो गया दुकान का। पंजाब में शानदार जीत के बाद एक्शन में नजर आई आम आदमी पार्टी। जीरा से विधायक नरेश कटारिया ने सिविल अस्पताल का किया दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं, वहीं जल्द समाधान का दिया आश्वासन। मान जी तो बहुत बड़ी आस है कि वो सारे संगत दियां जिन्नियां भी आसा ते उम्मीदां ते पूरा उतरनगे। इत्थे जो भी साढ़े असी आपदे जीरे हल्के दे हॉस्पिटल है, इन्हां विच डॉक्टर साहिबाना तो पुछ के जो भी कमी पेशी आ वो असी स्टाफ घट है स्टाफ पूरा करांगे, जे कोई मेडिसिन की कमी है वो भी पूरी करावांगे। पंजाब में प्रशासन की लापरवाही के चलते अंधकार में जा रहा बच्चों का भविष्य। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची मुफ्त किताबें, शिक्षा विभाग के मुलाजिमों ने अपने ही विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। ये किताबा वो ने जिड़िया बच्चों नु मुफ्त मुहैया कराई जानी, वो पंजाब की जवानी लिए कुछ तो सोच लो। पंजाब के बच्चे जेड़े ने जो अनपढ़ रह गए ते तुहाडा किहड़े युग भला होवेगा, पंजाब की जवानी का असीं कुछ तो सोच लिए। बरनाला में आप नेता लाभ सिंह ने तपा मंडी के सरकारी अस्पताल का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही मरीजों से मुलाकात कर जाना हालचाल। ये अपनी मंडी का अपना हस्पताल है ते अपने जिहड़ा स्टाफ है उहदे नाल मिलन दे लई आए हां। जिहड़ियां स्टाफ नूं दिक्कतां ने जां जिहड़ियां मरीजां नूं इत्थे दिक्कतां आउंदियां ने उहनां दे हल दे लई कम करांगे। ये अपना हस्पताल है ते इहनूं वधिया रखणा, लोकां नूं सहूलतां देणा जिहड़ा उह साडा मुढ़ला फर्ज आ। भदौर दे लोकां ने पंजाब दे लोकां ने जिन्ना माल सानूं बख्शिया ते इह उहदी बदौलत असीं जस्ट इक विजिट मिलण दे लई आए हां ते इहनां दे नाल गल्लबात करांगे पूरे स्टाफ नाल, डॉक्टर्स दे नाल बाघा पुराना में लुटेरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े घर दुकान में हो रही चोरियां, पुलिस कर रही मामले की जांच। गुरदासपुर के गांव मलकपुर में 3 बदमाशों ने की पिस्तौल की नोक पर लूट, 16,000 की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तहकीकात। आज जो है 2 बंदे पै गए जी, एक कोल पिस्टल सी ते एक कोल डांग सी, उन्हें पिस्टल रखती मेरे सिर ते, एक ने ते एक जिहड़ा सेंदर बढ़ गया वो कैश वगैरह ले गया, सारा जिहड़ा भी सीगा 15-16,000 दे करीब सेल हुंदी है वो सारी ले गया। मैं इत्थे मलकपुर काम करता जी। पंजाब के मलोट में आपके नवनियुक्त विधायक बलजीत कौर ने सिविल अस्पताल का किया दौरा, अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, रही समस्याओं को जल्द दूर करने की कही बात। उन्होंने अचानक दौरा किया, सानू बड़ा अच्छा लग्या, अगे तो असीं सारे लोग अलर्ट रहांगे, कदे भी मैडम आ सकते हैं सानू देखन, अच्छा लग्या सानू, सानू भी हौसला होया कि सब स्टाफ से गए थे। बट सानू जिहड़ी कमियां सी उन्होंने दसियां वो है कि साडे कोल एमरजेंसी मैडिकल ऑफिसर जिहने कि 7 पोस्ट है उहदे चों इक्को एमरजेंसी मैडिकल ऑफिसर है, 6 पोस्ट खाली है। होली को लेकर कानपुर में प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात होगी पुलिस, डीएम ने जारी किए निर्देश। देखिए जनपद कानपुर नगर में जो होली को दृष्टिगत, त्योहारों के दृष्टिगत क्या व्यवस्थापन होने हैं उससे संबंधित बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है। खास तौर पे नगर निगम क्षेत्र में जहां होलिका दहन स्थल हैं वहां कुछ तारों की समस्या बताई गई थी, जो नगर निगम को कुछ व्यवस्थापन देने हैं, जो होलिका दहन स्थल है उसमें सैंड की व्यवस्था करनी है ताकि बिटुमेन रोड पे
ख़राब ना हो, तो इस तरह की कई चीज़ें निकल के आई हैं जिन लैप्सेस पर हम लोग सतर्क निर्देश दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। यूपी के गाजीपुर में पुलिस के हाथ लगी सफलता, लूट मामले में लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों से लूट की बाइक और अवैध हथियार भी बरामद। देखिए पिछले महीने में एक सूर्य प्रकाश नाम के आदमी थे, शाम को अपने घर जा रहे थे तो ननारा थाना अंतर्गत उनकी मोटरसाइकिल और उनका पर्स छीन लिया गया जिसमें 1200 रुपये भी थे और मोबाइल भी था, तो उसी में कल पुलिस को कामयाबी मिली और उसके चारों लुटेरे पकड़े गए, उनका मोबाइल और उनका पर्स वगैरह सब मिल गया है मोटरसाइकिल। नोएडा में बिल्डर की मनमानी के आगे बायर्स परेशान, सेक्टर 133 स्थित जेपी विशा टाउन के कैंसिंगटन सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। हमारा जो मुद्दा है वो जेपी ग्रुप के अगेंस्ट है, हम लोगों को प्लॉट के साथ साथ एडवांस्ड 1 साल का मेंटेनेंस इन लोगों ने जमा कर लिया था जिसके अगेंस्ट में उन्होंने एन नंबर ऑफ़ सर्विसेज हमें प्रोमिसज की थी। अब आज 2022 चल रहा है, उन सर्विसेज में से 40% सर्विसेज भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जो एडवांस मेंटेनेंस हमने जमा किया था वो ये सब कंज्यूम कर चुके हैं जिसकी इनवॉइसेस तक हमें नहीं मिली है पिछले। मोहनलालगंज से जीतने के बाद बीजेपी नेता अमरेश रावत ने लोगों का जताया आभार, कहा जो भरोसा आपने मुझ पर दिखाया, जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने की कही बात। सभी काम अधूरे हैं, रात दिन लग करके मेहनत करके सारे काम पूरे करेंगे, सभी जनता को संतुष्ट रखेंगे, ये काम करेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।